अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड, कि अरेस्ट जो भी होंगी वो इस सीआरपीसी जो कोड है उसके प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी। लिखा है नो अरेस्ट शैल बी मेड, शैल बी मेड मैंडेट, नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, कि इस संहिता के प्रावधानों के अतिरिक्त के अलावा कोई भी अरेस्ट नहीं होगी। और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स प्रोवाइडिंग फॉर द अरेस्ट, या कोई दूसरे कानून में अरेस्ट का कोई प्रावधान है तो उस प्रावधान को अप्लाई करना होगा, और अगर दूसरे कोड में या दूसरे प्रावधानों में, दूसरे कानूनों में अगर इस तरह कोई प्रावधान नहीं है तो सीआरपीसी के जो प्रावधान है वो सभी जगह अप्लाई होंगे। देखिए सीआरपीसी में अरेस्ट के रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं, तो कोई भी अरेस्ट होगी अकॉर्डिंग टू दिस कोड, और अगर किसी दूसरे लॉ में कोई प्रावधान है तो वो प्रावधान लागू होंगे। इन दिस वे वी हैव डिस्कस सेक्शन 60A। नाउ वन मोर थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज दैट, कि हमने इस तरी 60A सेक्शन 41 से लेकर और 60A तक इस तरह से अरेस्ट के जो प्रोविजंस हैं सीआरपीसी में उनको डिस्कस किया है, लेकिन अब जो बेसिक्स ऑफ द अरेस्ट हैं, जैसे व्हाट इज अरेस्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अरेस्ट एंड कस्टडी, व्हाट इज कन्फाइनमेंट, व्हाट इज इलीगल कन्फाइनमेंट, तो इस तरह के प्रावधानों की चर्चा हमने नहीं की है। ये बेसिक्स ऑफ द अरेस्ट हैं, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो बेसिक्स ऑफ या बेसिक रिगार्डिंग अरेस्ट प्रोविजंस के नाम से वो वीडियो होगी। तो ये जो तमाम बातें, अरेस्ट क्या है, कन्फाइनमेंट क्या है, कस्टडी क्या है, ये सभी बातें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अगर आप अरेस्ट के बेसिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रावधान हमने डिस्कस कर लिए और उसके लिए अलग से वीडियो आप देखें। एंजॉय दिस लेक्चर, थैंक यू।